यहाँ आपकी दोस्त टोनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया घर। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक वीरान घर था जो बरसों से खाली पड़ा हुआ था। पक्षियों और जानवरों का कहना है कि ये घर एक भूतिया घर है जिसमें बरसों पहले एक भूतिया बिल्ली रहती थी। बस इसी डर से उस घर में ना तो कभी कोई पक्षी जाता था ना कोई जानवर। एक दिन की बात है, कालो कौवा अपने फल की दुकान लगाए जंगल के एक चौराहे पर बैठा हुआ था। उसके पास कई सारे पक्षी और जानवर फल खरीदने आए हुए थे। तभी वहाँ एक चोर बाज आता है। अरे वाह, इस कौवे के पास तो कितने ताजे ताजे फल हैं। चलो मौका अच्छा है, दो चार फल चुरा ही लेता हूँ यहाँ से। हाँ, वो बाज चुपके से पक्षियों के पीछे जाता है और वहाँ से फल उठाने लगता है। तभी कालू कौवा ये देख लेता है। अरे चोर चोर चोर, देखो देखो, वो बाज ने मेरे फल चुरा लिए हैं, पकड़ो उसे। ये सुनकर वो चोर बाज वहाँ से भागता है। उसके पीछे कालू कौवा और सारे पक्षी और जानवर भागते हैं। चोर बाज जब पीछे मुड़कर देखता है, अरे बाप रे, ये तो पूरे जंगल के पक्षी और जानवर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाग बेटा बाज यहाँ से, वरना इन सब ने पकड़ लिया तो बहुत बुरी तरह से पिटाई करेंगे। अरे भाग। वो चोर बाज पूरे जंगल में गोल गोल घूमने लगता है, पर वो सारे पक्षी और जानवर उस चोर बाज का पीछा करना नहीं छोड़ते। ये देखकर वो चोर बाज परेशान हो जाता है। अरे आज तू कहीं भी भाग जा बाज, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा। अरे अरे, इन पक्षियों का कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अरे एक घंटे से मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कहाँ भागूं रे मैं अब, कहाँ भागूं? तभी वो चोर बाज उस भूतिया घर में घुस जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी और जानवर वहीं रुक जाते हैं। अरे थक गया यार, अरे कहाँ गया वो, अरे कहाँ गया वो चोर बाज, अरे उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो उस भूतिया घर में घुस गया है, अरे भागो यहाँ से। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने घरों और घोंसले में सोए हुए थे। तभी अचानक उस भूतिया बिल्ली के भूतिया घर में से वही बाज बाहर निकल के आता है और वो चुपचाप उड़ते हुए उसी कालू कौवे के घोंसले में जाता है, जहाँ कालू कौवा और उसके पत्नी मोनी कौवी दोनों आराम से सोए हुए थे। ये देखकर वो चोर बाज उस कालू कौवे को एक जोरदार चांटा मारता है, जिसके बाद कालू कौवा हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगता है। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे मेरा मुंह, अरे मेरा मुंह, अरे छोड़ दे, अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है, अरे कौन है? कौन है? तभी वो चोर बाज कालो कौवे के दोनों पैर पकड़ता है और उसे जोर जोर से पटकते जाता है। बचाओ, अरे बचाओ रे, मुझे बचाओ। अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, अरे छोड़ो। वो चोर बाज बिना कुछ कहे उस कालू कौवे को पटक पटक कर मारता जाता है। कालू कौवा पूरा लहू लुहान हो जाता है। तभी वो चोर बाज कालू कौवे को पकड़ता है और उसे उसी भूतिया घर के अंदर ले जाता है। ये देखकर मोनी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो बाज कहाँ लेके चला गया मेरे पति को। अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। मोनी कौवी पूरी रात अपने घोंसले में बैठकर रोती रही। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी मोनी कौवी आसपास के सारे पक्षी और जानवरों को कल रात की घटना के बारे में बताती है। अरे ये कैसे संभव है, वो चोर बाज तो उस भूतिया बिल्ली के घर में घुस गया था और एक बार जो उस भूतिया घर में जाता है वो दोबारा जीवित लौट कर वापस नहीं आता। फिर ये बाज कैसे जीवित है? वो मैं नहीं जानती, पर वो बाज मेरे पति को कुत्ते की तरह पटक पटक कर मार रहा था और पता नहीं वो कहाँ लेके चला गया मेरे पति को। कल रात से मेरे पति का कोई अता पता नहीं है। सारे पक्षी तरह तरह की बातें करते हैं और थोड़े समय के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी वही चोरबाज फिर से उसी भूतिया घर के अंदर से बाहर आता है और वो चंपू तोते के घोंसले में जाता है। चंपू तोता उस समय अपने घोंसले में अकेला था। अरे तू यहाँ कैसे? तू तो उस भूतिया घर में चला गया था ना? अरे फिर तू जिंदा कैसे बच गया? तभी वो चोरबाज चंपू तोते की गर्दन पकड़कर मरोड़ने लगता है। अरे अरे मेरी मुंडी, अरे छोड़ दे मुझे। वो बाज चंपू तोते को भी पकड़कर उस भूतिया घर में ले आता है। उसके बाद अंदर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो चोरबाज रोज रात को जंगल में आने लगा और एक एक कर पक्षियों और जानवरों को पीट कर उस भूतिया घर में ले जाने लगा। अब जंगल से कुछ पक्षी और जानवर कम होने लग गए थे। एक दिन रात के समय जंगल में किसी पक्षी की शादी हो रही थी। वहाँ जंगल के सारे पक्षी और जानवर मौजूद थे। अरे वाह, आज तो क्या मजा आ रहा है यार। हाँ, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मजा मिल रहा है आज तो। हाँ, ये भोलू चिड़े का ब्याह तो सच में इस जंगल के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। अरे ओ भालू, तुझे मजा शादी का नहीं बल्कि खाने का आ रहा है। और ये कितना खाएगा है? एक दिन खा खा कर फट जाएगा तू। देख देख कैसे पहाड़ की तरह हो गया है। हे खबरदार कुत्ता, अगर मेरे भोजन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो मैं तेरे ऊपर ही बैठ जाऊंगा। हाँ। अरे बकवास बंद करो दोनों अपनी। कब से दिमाग का दही किए बैठे हो? अरे हम यहाँ जिस कारण से इकट्ठे हुए हैं वो दूल्हा भोलू चिड़ा कहाँ है? सारे पक्षी और जानवर भोलू चिड़े को तलाश करने लगते हैं, पर भोलू चिड़ा कहीं नहीं दिखाई देता। तभी वही एक पेड़ पर भोलू चिड़ा रोते हुए सारे पक्षी और जानवरों को चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, जिसे उसी चोरबाज ने पकड़ रखा था। अरे मुझे बचाओ रे, अरे ये बाज ने मुझे पकड़ लिया, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे पक्षी ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ओए बाज, छोड़ उस चिड़े को, अरे आज उसका ब्याह है, है? छोड़ उसे। तभी वो बाज उस भोलू चिड़े को पकड़ कर उसी भूतिया घर के पास ले आता है और अंदर चला जाता है। ये देखकर सारे पक्षी और जानवर भी उस भूतिया घर के पास आते हैं। अरे वो बाज ने तो मेरे होने वाले पति को इस भूतिया घर में लेके चला गया। अरे भालू भाई, आप तो इस जंगल के सबसे ताकतवर और हट्टे कट्टे जानवर हो, आप लेके आओ ना उस घर से मेरे पति को। क्या मैं? मैं? अरे आई, वो क्या कर रहा है भालू? अरे जाना उस भूतिया घर में और मेरी बहन चिड़िया के होने वाले पति को लेके आ। मुझसे अपनी बहन के आंसू नहीं देखे जाते, तू जल्दी जा। अरे इतनी ही चिंता है अपने बहन के आंसू की तो खुद क्यों नहीं जाता तू है? तभी उस भूतिया घर से वही चोरबाज एक भयानक भूतिया अवतार में बाहर आता है। उसके पीछे ही एक भयानक भूतिया बिल्ली बाहर आती है। ये देख कर सारे पक्षी और जानवर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे मेरे बाप रे बाप, ये बाज तो एक भूतिया बाज बन गया। देखो बिल्ली बहन, आज कितने सारे शिकार यहाँ आए हैं। वाह मेरे बाज, आखिर तूने साबित कर ही दिया कि तू मेरा वफादार साथी है। अच्छा हुआ उस दिन मैंने तुझे नहीं खाया, वरना अगर उस दिन मैं तुझे खा जाती तो मुझे इतना अच्छा भूतिया साथी नहीं मिलता था और आज इतने सारे शिकार भी नहीं मिलते थे। तुझे भूतिया पक्षी बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तभी वो भूतिया बिल्ली और भूतिया बाज सारे पक्षियों और जानवरों पर हमला कर देते हैं और एक एक को मार कर खाने लगते हैं। ये देख कर वो भालू दौड़ते हुए उसी भूतिया घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो भी एक भयानक भूत बन जाता है और वो भूत बनकर उसी घर से बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे 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 ठहर ठहर जाओ पक्षियों, अब ये भालू तुम सबको बचाएगा। तभी वो भूतिया भालू उस भूतिया बिल्ली और भूतिया बाज का वही सर्वनाश कर देता है, जिसके बाद जंगल के पक्षी और जानवरों का जीवन बच जाता है। उस दिन से वो भूतिया भालू
उसी भूतिया बिल्ली के भूतिया घर में रहने लगता है और अपने जंगल के पक्षी और जानवरों की रक्षा करने लगता है।